और अब खबर आपको दिखाते हैं कोरोना के रामबाण रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जिसकी कालाबाजारी जमकर हो रही है और दो लड़कियां भी इस जाल में फंस गई। हमने कुछ नहीं किया कि गुहार लगाते इन लड़कियों पर आरोप है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का। आशीष सोनी नाम के शख्स ने दावा किया है कि ये दोनों लड़कियां 23,000 की कीमत पर एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रही थी। आशीष ने दोनों लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाया और मौका वारदात पर पुलिस की मौजूदगी में दोनों से रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त करवाए। किसी बच्ची का फोन आया था कि भैया मेरे भाई काफी सीरियस है, उनको इंजेक्शन की आवश्यकता है, इसमें अपने चित्रपाल हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ पर उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और कहीं से व्यवस्था हो रही है, वो 23,000 रुपये इंजेक्शन के मांग रही है, तो आप मेरे को कैसे करके पैसे दो, मैं आपको पैसे वापस दे दूंगी। पकड़े जाने पर दोनों लड़कियों ने इंजेक्शन बेचने का आरोप कबूल किया और साथ ही सफाई देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले उसके माता पिता कोरोना संक्रमित हो गए थे और उन्होंने 23,000 की कीमत पर एक शख्स से ब्लैक में इंजेक्शन खरीदे थे, लेकिन उनके माता पिता ठीक हो गए थे, जिसके बाद वो खरीदी गई कीमत पर ही इंजेक्शन बेच रही थी। दोनों बहनों के बयान के आधार पर अब पुलिस ने कालाबाजारी के मुख्य आरोपी पीयूष के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। ABP News, आपको रखे आगे।